और मुंगेली के जिला पंचायत मुख्यालय से लगे कुआ गांव में पंचायत की कारगुजारी से गांव के लोग हैरान हैं। दरअसल WBM रोड के ऊपर मनरेगा के तहत कच्ची सड़क बनाई जा रही है, जिसे साफ जाहिर है कि स्पॉट का भौतिक सत्यापन किए बगैर ही काम को स्वीकृति दे दी गई है, जिससे बड़े भ्रष्टाचार की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ग्रामीणों का कहना है कि इससे तो WBM रोड ही अच्छी थी, क्योंकि 2 महीने बाद बरसात शुरू होने वाली है, फिर मिट्टी से बन रहा कच्चा रोड परेशानी खड़ी कर देगा। इस मामले में मुंगेली जनपद के CEO का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। तो ये रोड था पहले वाला जो WBM रोड था, अब उसके बाद जो उसमें मिट्टी डाल रहा है, तो इसका जो पहले वाला रोड था उसका कोई मतलब नहीं हो रहा है, और इसमें मिट्टी डला है और उसमें कच्चा आ रहा है, तो बरसात में चलने और आने जाने में प्रॉब्लम होगा। ये रोड पहले के हमारे WBM है, और 2 पे WBM बन चुके हैं, है ना। अब WBM बने के बाद, गिट्टी रोड बने के बाद, मतलब इतना मजबूती, इसके बाद मतलब कच्चा मिट्टी डला थे, अब रास्ता बरसात के दिन में आया जाने दिक्कत हुई। कबर दिक्कत हुई कि कच्चे मिट्टी या पानी पड़ी तो हम गीला हुई, और गीला हुई तो मतलब चिक्खल एक नाम से बनाए से कोई मतलब एक नहीं है। अब ये क्या है, जो हम लोग का पूर्व सरपंच था ना, उन लोग का प्रस्तावित में ये हुआ था, वो काम को हम लोग करा रहे हैं। अब ये मरेंगा का काम था ना, इसलिए मतलब अब चालू हो रहा है, तीनों रोड सुकृत हुआ था तो इसमें चला रहे हैं हम लोग काम। तो हम लोग परीक्षण करवा रहे हैं, कई बार क्या होता है जो पुराने रोड है उसके किनारे कट जाते हैं, और उसमें मिट्टी फिलिंग करके फिर उसमें रोलिंग या मूव का काम किया जाता है, उसको मैं टीम बना के उसको उसकी जांच करवा। अब इस जानकारी के लिए रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, तस्वीरें हम देख रहे हैं जिस तरह से पक्की रोड यहाँ पर बनी हुई है और उस पर मिट्टी डाली जा रही है, आखिर क्या है वजह, और ये ठेका जो है आखिर किसे दिया गया है और क्यों काम किया जा रहा है? देखिए बता दूं कि जो पूरा मामला है मुंगेली जिले के ग्राम पंचायत कुआ गाँव का है, और ग्राम पंचायत कुआ गाँव जो है मुंगेली जिला पंचायत कार्यालय से लगा हुआ गाँव है, और यहाँ पास पहले से WBM रोड बनी हुई है, उसके ऊपर में कच्ची रोड का निर्माण किया जा रहा है, यानी कि मिट्टी का रोड बनाया जा रहा है। यहाँ पर ग्रामीणों का साफ तौर पर यह मानना है कि इससे अच्छा तो पहले का रोड था, क्योंकि उससे आने जाने में काफी सहूलियत होती थी, लेकिन अब जब मिट्टी का जो रोड बनेगा उसके बाद ना तो लोग आ पाएंगे बरसात के दिनों में, ना तो पैदल चल पाएंगे और ना तो वाहनों का आना जाना हो पाएगा। गाँव के जो सरपंच और सचिव इस मामले में कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं, तो वही जनपद के जो अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई है, तो वो ये कह रहे हैं कि मौके का परीक्षण कराया जाएगा, जांच कराया जाएगा कि आखिर वजह क्या है। आपको यहाँ पर रोहित रोकना चाहूंगी। शैलेश पाठक, जिला अध्यक्ष BJP मुंगेली, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत सर आपका। जी, मुंगेली की तस्वीरें हम देख रहे हैं जहाँ पर रोड तो बनी हुई है, WBM का रोड बना हुआ है, पर उस पर मिट्टी डालकर उसे कच्चा रोड बनाया जा रहा है, आखिर क्या वजह है इसके पीछे? वस्त्राचार का एक नमूना है, इसी प्रकार इसी जगह भ्रष्टाचार हो रही है, क्योंकि रोड बनने से पहले उनका मूल्यांकन होता है, ये होता है, यह जानकारी तो रोड बन लिया था, अधिकारी आज पकड़ जा रहे हैं तो जांच कराएंगे, देखेंगे करके, बिना अधिकारी के संज्ञान कैसे बनेंगे। जी चलिए, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। जिला अध्यक्ष कांग्रेस के जुड़ गए हैं सागर सिंह, बहुत स्वागत सर आपका। जी नमस्कार सागर जी। मुंगेली की तस्वीरें हम देख रहे हैं, WBM का रोड बना हुआ है पर उस पर मिट्टी डालकर कच्चा रोड बनाया जा रहा है, आखिर क्या वजह? नहीं, आपके संवाददाता के माध्यम से दरअसल मेरे को ये जानकारी आज ही हुई है, करीब 2-3 घंटे पहले ही मेरे को जानकारी हुई है, और अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो बिल्कुल आपत्तिजनक है। और बिना स्वीकृति के काम आखिर कैसे शुरू कर दिया गया, किसी का तो सपोर्ट होगा? समझने वाली बात है। देखिए जिला पंचायत CEO से मैं बात करके इसकी जानकारी लेता हूँ, क्योंकि मेरी भी जानकारी में नहीं है ये बात, और अचानक किसी गांव में कोई काम चालू हो जाएगा तब वो ऐसा जानकारी, अभी लॉकडाउन की स्थिति हम लोग को भी ज्यादा अभी संपर्क में नहीं है, इसलिए जानकारी। तो सागर के पीछे किसी ना किसी का सपोर्ट होगा ना, तभी इतना बड़ा काम शुरू कर दिया गया बिना स्वीकृति के। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो ऐसी, अगर ये इस बात में अगर सच्चाई है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है और इसकी जांच होनी चाहिए, और बिल्कुल इसकी जांच होगी मान के चलिए आप। जिला अध्यक्ष BJP से भी हमारे साथ जुड़े हुए शैलेश जी, शैलेश जी कितना सहमत है आप इनकी बात से? मैं बिल्कुल सही, ठीक हो रहा, जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, केवल जांच के नाम पर होनी चाहिए, कार्रवाई होगी, कार्रवाई करें, सब सामने आ गया है, उजागर हो गया है, लेकिन उसके कार्रवाई होनी चाहिए।
जी सागर जी, सागर जी जिनकी भी मिली भगत है, किस तरह की आगे कार्रवाई की जाएगी इनके ऊपर? नहीं, इनके ऊपर देखिए, एक तो सरकार के पैसे का उसको एक तो गलत यूज किया जा रहा है, अगर ये इसमें सच्चाई है तो इसमें संबंधित अधिकारी से ये पूछा जाएगा कि जब ऑलरेडी जहाँ WBM रोड है उसे मरम्मती कराने का औचित्य क्या है, भले ये 100,000 रुपये जारी करवाया जाएगा उस विभाग की तरफ से, और अगर इसमें सही पाया गया, जांच कमेटी इसमें बनेगी, अगर सही पाया गया तो बिल्कुल दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करवाई जाएगी, आप निश्चिंत रहें। चलिए उम्मीद ऐसा ही करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सागर जी, सलेसी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और अब बात उत्तर प्रदेश